नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध जिसका वर्णन हमारे कई शास्त्रों में किया गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो है इस मान्यता को मानते आ रहे हैं। हर घर में शायद रिचुअल्स थोड़े से अलग हों, मनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग हो, पर ये एक ऐसी प्रथा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे कल्चर में। गरुड़ पुराण में ये मेंशन किया गया है कि जब हम देह को त्यागते हैं, जब अपने शरीर को त्यागते हैं, तो उसके बाद जो आत्मा की यात्रा होती है, जो उसकी जर्नी होती है, उसको जो है ताकत जो है पिंड दान से मिलती है, जो कि बच्चों के द्वारा किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज आर्यमा का मेंशन किया है और उन्होंने कहा है कि पूर्वजों की पूजा करना और पूर्वजों के नाम पे दान करना भगवान विष्णु की पूजा करने के बराबर है। पांच तरह के ऋण का मेंशन किया हुआ है गीता में, उसमें पितृ ऋण भी है। बल्कि ये ऋण ही नहीं, बाकी जो पांच तरह के भी जो ऋण है वो हम सब इंसानों को इस जीवन में अपने कर्मों के द्वारा अदा करने होते हैं। श्राद्ध वो टाइम होता है जब हम पितृ ऋण जो है वो दान के फॉर्म में या गरीबों की सेवा करके पितरों के नाम पे अदा करते हैं। अब आता है पितृदोष। पितृदोष क्या श्राद्ध से या पितृपक्ष से कनेक्टेड है? देखिए, जब हम पितरों की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कनेक्शन है ही है। हम ज्योतिष की अगर बात करें तो यदि चंद्रमा का कनेक्शन राहु केतु या शनि से होता है तो उसे मातृ दोष कहा जाता है, और सूर्य जो कि पिता के कारक हैं, यदि उनका कनेक्शन राहु केतु शनि और अष्टम भाव से होता है तो उसे पितृदोष कहा जाता है। और भी काफ़ी सारे क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं पितृदोष के, पर सूर्य को ग्रहण जो है वो राहु और केतु ही लगाते हैं। तो यदि राहु केतु के साथ सूर्य आ जाते हैं, और शनि और सूर्य की कहानी हम सबको पता है, पिता और पुत्र हैं, तो यदि इनका कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। यदि पितृदोष है तो उसके लिए पिंडदान करना बहुत ही ज़रूरी है। श्राद्ध को बिल्कुल फॉलो करें, श्राद्ध के समय में अपने पूर्वजों के नाम पे गरीबों को दान करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। देखिए, अब समय बदलते समय के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही खिलाएं, पर आप किसी गरीब को भी खिलाएंगे तो वो इक्वली अच्छा होगा। तो आप गरीबों को ज़रूर कुछ खिलाएं। दूसरा, कुछ पशु पक्षी को भी हमने पितरों से लिंक किया है, जिसमें कि कौआ एक है, गाय एक है, तो इनको भी जो है श्राद्ध के समय में अगर आप खिलाएंगे तो वो पितरों को अच्छा लगेगा और पितृ दोष के लिए जो है वो एक रेमेडी की तरह वर्क करता है। उसके अलावा अमावस्या, अमावस्या को भी जो है पितरों से लिंक किया गया है, तो अमावस्या वाले दिन भी जो दान है पितरों के नाम पर किया हुआ वो पितृदोष की एक रेमेडी की तरह काम करता है। ग्रहण, ग्रहण में भी दान का बहुत महत्व है। मैंने कई बारी कई वीडियोस में आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। ग्रहण में दान भी जो है पितरों की शांति के लिए किया जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये सारी चीज़ें करें। इसके अलावा भागवत पुराण का किया हुआ पाठ भी पितरों की शांति के लिए, पितरों की खुशी के लिए किया जाता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि जी हमारे काम बहुत अटक अटक के होते हैं या बहुत देरी से होते हैं, जिसमें चाइल्ड बर्थ भी एक चीज़ है कि जी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है। उन सब के लिए पितरों का खुश होना, पितरों का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि आप भी ऐसी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं कि जी काम अटक अटक के हो रहे हैं या जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो पिंडदान और पितरों के नाम पर गरीबों को ज़रूर खिलाएं। इससे आपका पितृदोष का भी निवारण होगा, पितृ खुश होंगे और आपके जो भी रुकावटें या जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं वो खत्म होंगी।